नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। और दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य से जुड़ी जिस समस्या पर हम चर्चा करेंगे वो है थायराइड। लेकिन हम इस पर जानें, इसके कारणों को समझें, इसके निवारण को जानें, उससे पहले आइए हम अपने मन के स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं और जुड़ते हैं आध्यात्मिक प्रसंग यानी मधु कलश से। दुनिया के सबसे प्राचीन ज्ञानकोश ऋग्वेद में गाय और अश्व की महत्ता है। समूचा ऋग्वेद, बड़ा भाग यजुर्वेद, सामवेद गायन का वेद है और बहुत बड़ा भाग अथर्ववेद गाय और अश्व की प्रतिष्ठा से भरा पूरा है। ऋषियों को ये दोनों बहुत प्रिय हैं। अश्व के साथ ये है कि ऋषि उसको उपयोगी मानते हैं और अपने प्रतीकों में उसका प्रायः इस्तेमाल करते हैं। जैसे सूर्य को देखते हैं तो कहते हैं वो घोड़े वाले रथ पर सवार है। समय का वर्णन करते हैं भृगु अथर्ववेद में तो कहते हैं कि काल अश्व बहुत तेज रफ्तार चल रहा है। तो घोड़े के प्रति, अश्व के प्रति वैदिक ऋषियों में लगाव रहा होगा गतिशीलता के कारण। लेकिन गाय का भिन्न रूप स्वरूप ऋग्वेद में, सभी वेदों में, बात के साहित्य में, उपनिषद साहित्य में, ब्राह्मण ग्रंथों में छाया हुआ है। राम कथा तक महाभारत में भी गाय को वैदिक ऋषियों ने माँ जाना, वैदिक ऋषियों ने उसे देवता भी जाना और उसकी उपयोगिता का आधार भी बहुत स्पष्ट रहा। लेकिन गाय के प्रति जैसी प्रीति हमारे वैदिक पूर्वजों में दिखाई पड़ती, उनके साहित्य में दिखाई पड़ती है, ऐसी प्रीति किसी अन्य पशु के लिए, किसी अन्य जीव जंतु के लिए नहीं दिखाई पड़ती। एक मंत्र में ऋषि गायों को आते देख रहा है तो उनसे कहता है कि आपको बहुत नमस्कार है, हमारी सभा और समितियों में आपकी बहुत चर्चा होती है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि उस समय जो सभा गोष्ठियाँ बैठकें होती थीं उनमें भी गाय पर, गाय की उपयोगिता पर, गाय के माता होने के प्रश्न पर गंभीर चर्चा होती थी। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में गाय को अघन्या बताया गया। अघन्या वैदिक संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ होता है अबध्य। और इन्हीं मंत्रों में आगे पीछे कहा गया है कि जो गाय को दंडित करते हैं, जो गाय के कान में छेद करते हैं, उन्हें राजा को चाहिए कि उन्हें दंडित किया जाए। जो गाय को मारते हैं, जो गाय को डंडे से पीटते हैं, जो गाय को परेशान करते हैं, वैदिक ऋषि कहते हैं, राजा को निर्देश देते हैं कि इन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए। तो गाय की ऐसी महिमा दुनिया के और किसी देश के किसी मिथक में और किसी समाज विज्ञान में, किसी उपयोगितावादी विज्ञान में नहीं दिखाई पड़ती जैसी हमारे यहाँ भारत में दिखाई पड़ती है। हमारा जब भारत का संविधान बन रहा था तो गाय को न मारा जाए इस दृष्टि से संविधान सभा में ही चर्चा हुई कि संविधान में ही पहले से ही कोई विधि बना दी जाए जिससे गाय को कोई कठिनाई ना हो। संविधान सभा में बहस हुई, लोगों ने यह कहा कि इस तरह का कानून आगे आने वाली सरकारें बनाएगी, संविधान में इसकी चर्चा की जा सकती है। और इस प्रकार फिर संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, नीति निर्देशक तत्वों में, गाय और गाय के वंश, इसके विकास पर और इसके वध को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश संविधान निर्माताओं ने दिए। तो गाय हमारे भारत के संविधान में भी महत्वपूर्ण है और आदरणीय है और हमारे लोक जीवन में भी आदरणीय है। महात्मा गांधी जी ने तो बहुत सुंदर तरीके से कहा था कि कभी गाय की आँख में झांकिए। अगर करुणा को किसी रूप में मानना हो कि वो हो गई है, जीव धारण कर लिया करुणा ने, तो गाय ऐसा पशु है जिसमें पूरी की पूरी करुणा उतर आई है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। तो ऐसा गाय को लेकर तमाम विवाद होते हैं, इस तत्व की तरफ भारत के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे पूर्वज कई कारणों से गाय को माता और देवता जानते मानते रहे। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि आज कार्यक्रम के इस अंक में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है थायराइड। थायराइड एक ऐसी समस्या है जिससे ग्रसित व्यक्ति को कई बार वजन में बढ़ने की शिकायत होती है,
अगर महिलाओं में ये समस्या है तो उन्हें कई बार प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है, तो ज़रूरी है कि समय रहते हम इस समस्या को पहचानें और इसका सही निवारण करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड का वैकल्पिक चिकित्सा में क्या कुछ समाधान है, और इसे जानने के लिए देखते हैं हमारा सेगमेंट वैकल्पिक चिकित्सा। आज स्वास्थ्य परिचर्चा के इस कार्यक्रम में हम लोग थायराइड नामक बीमारी पे चर्चा करेंगे। थायराइड वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का नाम हाइपर थायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म है। तो आज हम लोग हाइपोथायराइडिज्म की चर्चा करेंगे, जिसमें मनुष्य के शरीर का भार बढ़ना शुरू हो जाता है। वास्तव में आज के सभ्य समाज की ये एक बड़ी बीमारी के रूप में देखी जाती है। इसकी वजह से अनेकों प्रकार के समस्याएँ शरीर में उत्पन्न होती हैं, जैसे शरीर की त्वचा का रूखा हो जाना, शरीर के भार का बढ़ते हुए जाना, साथ ही साथ बालों का रूखा हो जाना, बालों का टूटने लगना यानी बालों का गिरना, आवाज़ मोटी हो जाना, आलस्य का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर घट जाना और लगातार निद्रालुता का सताना, ये सारे इसके संकेत हैं। इन स्थितियों में जब व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्णतया प्रदर्शन नहीं कर पाता तो उसे नाना प्रकार से कष्ट का अनुभव होता है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ता है। इस समस्या का प्रमुख कारण कहीं ना कहीं आज के जीवन पद्धति में आया हुआ बदलाव है। हम ऋतु के और समय के अनुकूल अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी जीवन पद्धति को व्यवस्थित नहीं करते और इसका शिकार होते हैं। वास्तव में थायराइड होने के दो कारण हैं। एक थायराइड इटसेल्फ, थायराइड से दो हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4, इसको टेट्राआइडोथायरोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ थायराइड पे एक दूसरी ग्रंथि का नियंत्रण जो इसके सिक्रीशन को नियंत्रित करती है, वो हमारे ब्रेन में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH निकालती है, TSH के एंटागोनिस्टिक यानी इसके विपरीत मात्रा में, TSH कम तो थायराइड सिक्रीशन ज़्यादा, TSH ज़्यादा तो थायराइड सिक्रीशन कम। तो थायराइड और पिट्यूटरी दोनों के इस रिश्ते को देखते हुए हमें थायराइड की समस्या को देखना चाहिए। अगर कारण TSH का घटना है, थायराइड हाइपोथायरायडिज्म का, TSH का बढ़ना है, तो हमें काम पिट्यूटरी पे करना है, और अगर कारण T3 T4 का बढ़ना है तो हमें काम थायराइड पे करना है। लेकिन सामान्यतया योग नेचुरोपैथी में दोनों पे एक साथ हम लोग चिंतन करते हैं, और इसमें थायराइड ग्रंथि के लिए कुछ अभ्यास और साथ ही साथ कुछ उपचार करते हैं। थ्रोट को प्रभावित करने वाली योगिक क्रियाएं यहाँ पर फायदा करती हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा में गले पर गर्म ठंडी सेंक, जहाँ पर थायराइड ग्लैंड गले में स्थिति है, यहाँ पर गर्म ठंडी सेंक करने से, थायराइड पर ठंडी गर्म लपेट देने से हम थायराइड की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ उपचार काउंसलिंग के तहत हम व्यक्ति की दिनचर्या को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। समय से सोना, समय से उठना, समय से खाना नियंत्रित करने के बाद उदर के रोगों का उपचार करते हैं, उदर को व्यवस्थित करते हैं, उदर से मल निष्कासन क्रिया प्रॉपर होती रहे, उदर में अन्न का अच्छी तरह से पाचन हो, गले पर रक्त संचार बढ़ाने के लिए गर्म ठंडी सेंक हो, भाप का आंतरिक उपयोग यानी मुंह से भाप लेंगे, गले तक ले जाएंगे और नाक से लेंगे, गले तक ले जाएंगे, मुंह से निकालेंगे, इस तरह से आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से थायराइड ग्रंथि पे हम बाहरी पानी और पानी के दूसरे रूप भाप का इस्तेमाल करके इसका समाधान निकालते हैं। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि एक बहुत सारी वनौषधियाँ हैं जो हमारे घर में आसानी से पाई जाती हैं, जो थायराइड पे अपना प्रभाव देती हैं। सबसे पहली वनौषधि जो हमारे किचन में, जिसको हम धनिया कहते हैं, धनिया का चूर्ण 1 चम्मच रात में गुनगुने पानी से अगर ले लिया जाए तो इसमें थायराइड ग्रंथि का समाधान प्राप्त होगा, साथ ही साथ शरीर में बढ़ने वाले एसिड का भी समाधान प्राप्त होगा। दूसरी वनौषधि जो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा वो है काचनार की छाल का 1 स्क्वायर इंच छाल लेकर के उसका काढ़ा बना करके 1 कप काढ़ा दिन में एक बार खाली पेट पीने से भी थायराइड की समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है और थायराइड के अनेकों प्रकार के संकेतों को शरीर से दूर किया जा सकता है। दर्शकों, थायराइड की समस्या हमारे गले में स्थित एक ग्रंथि द्वारा निकलने वाले हार्मोन के कारण से होती है। अगर किसी कारण से इस हार्मोन की मात्रा कम या ज़्यादा होती है तो हम थायराइड के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में ऐसे बहुत से योग हैं, ऐसे बहुत से आसन हैं जिन्हें कर हम थायराइड की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं और देखते हैं हमारा सेगमेंट योग विद्या।
नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है थायराइड की समस्या। थायराइड के लिए विशेष अभ्यास में हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको कोई भी अभ्यास जिसमें आपको यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, इस तरीके से गले में प्रेशर पड़ता है, यहीं पे थायराइड ग्रंथि बटरफ्लाई शेप में होती है। अगर यहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो आपको थायराइड में विशेष लाभ मिलता है और आपको जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो प्रॉपर बाहर निकलता है, जिससे आपको लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम आपको अभ्यास के बारे में बताएंगे। मुख्य रूप से जो अभ्यास है वो जाई प्राणायाम और उसके बाद सिंहासन का अभ्यास बताएंगे। दोनों का अभ्यास करके आप थायराइड में बहुत ही कम समय में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे हलासन, सर्वांगासन, सेतुबंधासन और षटकर्म के अभ्यास के बारे में। सिंहासन का अभ्यास करने के लिए आपको इस तरीके से सुखासन, वज्रासन, पद्मासन में किसी भी अवस्था में आप इस तरीके से दोनों हाथों को पंजे को बाहर की अंदर की ओर करके और सबसे पहले आप पूरी जीभ को बाहर निकालेंगे। पूरा जीभ बाहर निकालेंगे तो आपके थायराइड ग्रंथि में खिंचाव होगा, प्रेशर पड़ेगा और बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। जीभ कैसे बाहर निकालेंगे? सांस खींचते हुए इस तरीके से आपको सिंहासन का शांत रह के अभ्यास करना है और दूसरे अभ्यास में आपको आवाज के साथ शेर जैसी गर्जना निकालते हुए आवाज के साथ सिंहासन का अभ्यास करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। गर्जना करने से, सिंहासन का अभ्यास करने से, या तो आप शांत रह के करते हैं या आवाज के साथ करते हैं, आपके थायराइड ग्रंथि पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको थायराइड में बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होता है और आपकी चेहरे की समस्याओं में भी समाधान मिलता है। तो अब दूसरा अभ्यास हम करने जा रहे हैं, उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास। उज्जायी प्राणायाम के अभ्यास करने के लिए आपको सांस को खींचते हुए गले में बंद जालंधर बंद लगाना है और जालंधर बंद लगाने के साथ साथ थोड़ी सी आवाज के साथ आप उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके अभ्यास से भी आपको थायराइड में विशेष लाभ प्राप्त होता है। सांस को रोक लेंगे। अब धीरे धीरे बाएं नाक से सांस को बाहर छोड़ देंगे। यह क्रिया उज्जायी प्राणायाम अभ्यास कहा जाता है और अगर इसका भी अभ्यास आप अधिक समय तक 5, 10, 15, 20 बार प्रत्येक दिन करते हैं तो आपकी थायराइड ग्रंथि मजबूत हो जाती है और आपका मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा हो जाता है, श्वास की समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं और बहुत अधिक लाभ देता है। दर्शकों, थायराइड क्या है, ये क्यों होता है और क्या इसका कोई संबंध आनुवंशिकता से भी है, इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है ताकि हम थायराइड से अपना बचाव कर सकें। और इसे जानने के लिए, समझने के लिए चलिए चलते हैं विशेषज्ञ के पास और देखते हैं हमारा सेगमेंट चिकित्सकीय दृष्टिकोण। अवट्य ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बड़ा कारक है। देखा जाए थायराइड दो प्रकार के रोगों से मिलके, कई बार थायराइड से कई प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन मुख्यतः हाइपोथायरिज्म और हाइपरथायरिज्म नामक रोगों को हम देखते हैं। हाइपोथायरिज्म जो रोग होता है उसमें महिलाएँ ज़्यादा इफेक्ट होती हैं प्रायः पुरुषों के, पुरुष इसमें कम इफेक्ट होते हैं। महिलाओं में होने वाले जो थायराइड का मुख्य कारण है, जिसमें हम T3, T4 और THH हार्मोन्स को देखते हैं, विविध प्रकार के चिकित्सीय परीक्षण और प्रयोगशालिक परीक्षण के द्वारा हम लोग इसको रक्त के द्वारा पता कर सकते हैं। अत्यधिक TSH जब बढ़ा होता है तो हाइपोथायरिज्म हो सकता है और जब T3 और T4 की नंबर बढ़ जाते हैं तो हाइपरथायरिज्म होता है। तो पहले हम हाइपोथायरिज्म की बात करते हैं कि इनमें क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। जैसे ही आपने देखा होगा कि व्यक्ति बताता है कि मैं डॉक्टर साहब खाना बहुत कम खाता हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है, तो एक क्वेश्चन लग जाता है कि वो वजन क्यों बढ़ रहा है। वजन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं में प्रायः ये कारण थायराइड हाइपोथायरिज्म में भी हो सकता है। तो एकाएक वजन का बढ़ना, बालों का टूटना, बालों का पतला होना, मासिक धर्म में जो महीने की माहवारी है उसको निरंतरता न होना, उसमें कष्ट होना और पेनफुल होना, और देखा जाए स्किन का रूखापन होना,
हमारे जितने भी जर्क हैं वो भी उनका स्लो हो जाना, ये हमें थायराइड में मिलता है। कई बार पेट का साफ ना होना भी थायराइड से संबंधित ही है। और जब यही रोग हाइपरथायरॉइडिज्म होता है उसमें वजन का एकदम से गिरना, बहुत ही जल्दी से तेज़ी से वजन गिरता है, धड़कनें बढ़ने लगती हैं, अत्यधिक भूख लगती है, ऐसे ही सिम्टम हमें हाइपरथायरॉइडिज्म में मिलते हैं। हाइपोथायरॉइडिज्म प्रायः ज़्यादा मिलता है, तो उसके आज लगभग विश्व में लगभग 4,20,00,000 लोग थायराइड से, 2011 की रिपोर्ट है जिसमें लोग इतने प्रभावित हुए थे। तो देखा जाए थायराइड को हमें कंट्रोल करने के लिए विविध प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें आयुर्वेद में कहा गया है कि न्यूट्रिशन को हमें, आहार को हमें बहुत ही स्ट्रांग रखना है, जिसमें आयोडीन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो कई बार थायराइड ग्रंथि की गॉइटर नामक रोग भी हो जाता है, जिसको आम भाषा में हम लोग घेंगा रोग बोलते हैं। और कई बार ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से लोग दुबले हो जाते हैं, जिसको हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं। तो हाइपोथायरॉइडिज्म को हम पहले ट्रीट करने की, कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे उसके लिए बात करते हैं। इसके लिए नियमित रूप से आपको अपने आहार विहार में अच्छे फलों का प्रयोग करना है, ऐसी चीज़ें खाना है जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, और आपको प्राणायाम, योग और गुनगुने पानी से। देखा जाए कफज रोग होता है, ये कफज रोग में त्रिफला का प्रयोग करें, और त्रिफला के साथ अगर गुग्गल का यूज किया जाए तो त्रिफला गुग्गल का प्रयोग करने में थायराइड में अच्छा रिजल्ट मिलता है। और साथ में हम साखोटक का प्रयोग कर सकते हैं, जलकुंभी का प्रयोग कर सकते हैं, हंसपत्यादि कषाय का प्रयोग कर सकते हैं, कांचनार गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। तो चिकित्सीय परामर्श के हिसाब से अलग अलग थायराइड के व्यक्तियों के लिए अलग अलग दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कहते हैं पुरुषम पुरुषं विक्षम, पुरुष के हिसाब से ही, अलग अलग रोगों के हिसाब से और रोगी के हिसाब से उसका चिकित्सा कर सकते हैं। दर्शकों, ऐसे बहुत से सूक्ष्म तत्व होते हैं जो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जाकर थायराइड की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें उन सूक्ष्म और पोषक तत्वों की जानकारी हो, जिससे हम अपनी थाली में उन्हें सम्मिलित कर सकें। तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं और देखते हैं हमारा सेगमेंट आहार निरूपण। मैं आज आपको थायराइड से होने वाली बीमारियों के बारे में बताऊंगी। थायराइड एक ग्लैंड है, ठीक है, जिससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसके ज़्यादा रिलीज हो जाने से हमें थायराइड की बीमारियां होती हैं। थायराइड में दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक T3 एक T4। इन दोनों का इम्बैलेंस होने की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस हैं। थायराइड में थायराइड दो तरह के होते हैं, एक होता है कि हाइपोथायरॉइडिज्म, एक हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपर मतलब कि बहुत ही, जब हमारा हार्मोन्स यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है जब ज़्यादा रिलीज होता है तब वह हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन होती है, यानी कि इस कंडीशन में मोटापा बढ़ने का चांसेस रहता है। और हाइपोथायरॉइडिज्म की वह कंडीशन होती है जिसमें कि हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से वेट कम होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि आपका वेट बढ़ने के साथ अगर वेट बढ़ रहा है तो घट भी सकता है। ऐसा नहीं है कि थायराइड जिसको है वह मोटा ही हो, वह पतला भी हो सकता है। तो इसका ये दो मेन कारण हैं। और इसके लिए मैं स्पेशली ये बताऊँगी कि हमें जो है थायराइड में बहुत से चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि खान पान और एक्सरसाइज हो गया, और हमारी जो लाइफस्टाइल है स्पेशली, और हमारा जो एक सोशल एक सामाजिक जो व्यवहार होता है एक, उस पर भी ये डिपेंड करता है, इस पर भी इफ़ेक्ट करता है कि क्या हो सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों के कारण भी हो सकता है। और कुछ जो मेडिसिन है जो हम लेते हैं एक्स्ट्रा, उसकी वजह से भी ये हो सकता है, जैसे कि आयरन और कैल्शियम की गोली। अगर हम आयरन और कैल्शियम की गोली लेंगे तो यह इससे भी चांसेस हो सकते हैं थायराइड होने के। तो मैं आपको कुछ डाइट बताऊंगी जिससे कि हम अपने थायराइड को थोड़ा कम कर सकते हैं।
जैसे कि हम सबसे ज़्यादा अपने खाने में बादाम और अखरोट का प्रयोग करें तो यह हमारे थायराइड हार्मोन्स थायराइड को कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें एक सेलेनियम नाम का पदार्थ होता है जिससे कि हमारे थायराइड को कंट्रोल में करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए, जिस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए एक थायराइड के पेशेंट को, यह है कि हमें जैसे कि कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि वो सब कुछ खाते हैं, अरे मोटे ही तो हो रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पत्ता गोभी, कुछ चीज़ें, पत्ता गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, बैंगन हो गया, ये कुछ 3-4 सब्जियां हैं जो नहीं लेनी चाहिए थायराइड में, जिससे कि आपका मोटापा बढ़ सकता है। इसका कुछ एक साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से हम इसे मना करते हैं। और कुछ चीज़ें, और ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें मना ही हो थायराइड में, हम चीज़ों को देते भी हैं कि आप ये चीज़ें लें, जैसे कि आप फल ज़्यादा से ज़्यादा खाइए जिसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। तो आप सबसे ज़्यादा अपने खाने में फल और सलाद का ज़्यादा यूज़ करें अपने खाने में। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सलाद लेके बैठें, और फिर रोटी और दाल में छिलके वाली दालें ज़्यादा लें आप। और अपने खाने में लिक्विड वाली चीज़ें, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जल्दी पच जाए, जैसे कि दही हो गया, मट्ठा हो गया, ये चीज़ें आप ज़्यादा लें अपने खाने में। तो दर्शकों, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है, लेकिन चलने से पहले आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप अपने उन सवालों को हम तक भेज सकते हैं पत्रों के माध्यम से। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता स्वास्थ्य संजीवनी, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ, पिन संख्या है 226001। तो बस अब हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।